और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 100 पूर्व सैनिकों ने अपने मेडल लौटा दिए हैं। T1 IGI एयरपोर्ट पर ये असेंबल हुए हैं सबके सब, और 100 पूर्व सैनिकों ने अपने मेडल लौटा दिए। अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ हैं। आप अहमद, पूरी खबर बताएं। लेकिन निशांत, यहाँ पर टर्मिनल 1 के पास जो अराइवल है उसके पास में ये सभी पूर्व सैनिक जमा हुए थे, मेजर जनरल जो रिटायर्ड हैं सतबीर सिंह उनके नेतृत्व में, और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर न्यू दिल्ली भी मौजूद थे, और उनको ये सारे मेडल्स एक टेबल पे उन्होंने सारे मेडल्स जमा किए थे, और उसके बाद ये सारा मेडल्स उन्होंने उनको दे दिया है। उनका अगर आप रिसीव नहीं करोगे तो हम इसको यहीं सड़क पर छोड़ के चले जाएंगे। तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने वो मेडल्स रिसीव कर लिए हैं। अब उनको अभी पूरा प्रोसेस नहीं पता है, क्योंकि खुद डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ये अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ। तो उनको प्रोसेस भी नहीं पता है कि अभी क्या करना है, इन मेडल्स का कैसे आगे करना, उसके लिए जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है पूर्व सैनिकों का, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ है बल्कि देश में 4 और जगहों पर हुआ, यानी कुल मिलाकर 5 जगहों पर आज ऐसा किया गया है, और बड़ौदा में भी हुआ है, और कुछ और शहरों के भी उन्होंने नाम बताए, और कहा कि अगर ये नहीं होता है, मांगे एज इट इज नहीं मानी जाती हैं, तो ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा और देश के हर एक जनपद में ये किया जाएगा। जी शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। जहाँ तक याद याद आती रहेगी।